सेंटर सरकार ये आर्डिनेंस वापस लवे। अज तक खुदकशियां करता छोटा किसान करजे का मारिया, कल रजते खाते किसान भी खुदकशियां करनगे। जिहड़े हुण तक अकाली पंजाब दे विच मोर्चे लाउंदे रहे ने, हजारां लोक उह मोर्चा च मरवाते अकालियां ने। अज दा प्रोटेस्ट साडा मंडी तो लैके प्रकाश चंद गर्ग दे घर दा घराओ करांगे, उत्थे बुलावांगे गर्ग नूं वी की कहिंदा है। अज किसान आगू नूं की भरोसा तुसीं जताया, उरे किसान आगू तुहानूं मिले ने, की उहनां नाल गल्लबात होई? प्रधान जी, पंज पीढ़ियां बिल्कुल मतलब करजे की भेट चढ़ गई, उत्थे बंदा नहीं, वह परिवार च रहा एक धी आ, एक उहदी माँ, उहदे बारे किसान यूनियन ने बहुत मतलब प्रदर्शन किए, पर हजे भी करजे का भार उहदे वास्ते यूनियन ने की कर रही ने। जे आर्डिनेंस पास हुंदा तुसी किसानां नाल खड़ोगे जां बीजेपी नाल? चैनल ते दर्शकां स्वागत करदे आं। अज असीं खड़े आं भवानीगढ़ च, जिथे किसानां वल्लों धरना दिता जा रहा, रोस प्रदर्शन किया जा रहा, वड्डे वड्डे धरनियां च आपां गल्लबात करांगे किसान आगूआं नाल, उन्हां नाल करदे आं गल्लबात भी ये धरना किसान आर्डिनेंस लई संघर्ष किए जा रहे हैं, उहदे बारे विस्तार च दसो। हाँ जी, स्वागत है तुहाडा, अज किवें आ धरना, की गल्लबात है? मैं भीम सिंह आलमपुर, सीनियर मीत प्रधान जमहूरी किसान सभा पंजाब। अज जो इत्थे धरना दे के गर्ग की कोठी का घराओ किया जा रहा है, वो पंजाब दीआं 10 किसान जथेबंदियां, जिदे जो 4 जथेबंदियां इत्थे अज भवानीगढ़ की मंडी दे भी शामिल ने। असी वो 3 आर्डिनेंस जिहड़ी केंद्र सरकार ने जून दे विच कीते ने खेतीबाड़ी बारे, वो आर्डिनेंस बड़ी छेती लागू करन जा रही है। वो जे आर्डिनेंस हो गए तो साडी खेतीबाड़ी साडी किसान दे पहुँच तों बाहर होजू, जमीनां साडियां कंपनियां कोल जाणगियां, सानू भाव नहीं मिलने, साडी खरीद नहीं होनी, किसान खुदकशियां वधणगियां, मजदूर खुदकशियां वधणगियां, क्योंकि मजदूरों नूं महंगे रेट ते चीज़ मिलू, किसानां दी चीज़ लुट्टी जाऊ। असी ये अपना सरकार ते दबाव पाउण वास्ते कि सेंटर सरकार ये आर्डिनेंस वापस लवे, गर्ग की कोठी का घराओ असी इस करके कर रहे हैं कि गर्ग और उस सरकार की सपोर्ट करते हैं, गर्ग और उस सरकार उस रस्ते तो मोड़ना, तो जे नहीं मोड़ सकते साढ़े नाल संघर्ष च लोगों का साथ देना, नहीं एक काफला लंबा होंदा चला जाएगा। अज कितनी जथेबंदियां ने तुहाडे नाल? अज इत्थे साडे नाल 4 जथेबंदियां ने, भारतीय किसान यूनियन एकता टिकाउंदा, कुल हिंद किसान सभा, जमहूरी किसान सभा, तो पंजाब किसान यूनियन, 4 असीं अज इत्थे हाजर हां। ये बिल किन्ने क खतरनाक ने जिन्हां दा तुसीं विरोध कर रहे हो? ये बिल बड़े खतरनाक ने, ये बिल तो इन्ने खतरनाक ने कि किसान अज तक खुदकशियां करता छोटा किसान करजे का मारिया, कल रजते खाते किसान भी खुदकशियां करनगे, हज़ार क्विंटल का भार फसल का ढेर रहू, तो खरीददार ने खरीदना नहीं किसी ने, तो 800 रुपये क्विंटल लुटनगे, तो किसान फिर रजते खाते भी खुदकशियां करनगे। इस करके 85% किसान तो मजदूर ये तो प्रभावित होंगे। साडे नाल भारतीय किसान यूनियन डकौंदा दे आगू ने उन्हां नाल करदे गलबात। हाँ जी प्रधान जी, की अज रोस प्रदर्शन कर रहे हो, की चक्कर है? जिहड़ा अज दा रोस प्रदर्शन है ये कल्ला भवानीगढ़ च नहीं, ये सारे पंजाब दे विच अकाली बीजेपी लीडरां दे बार तक साडा प्रोग्राम है, क्योंकि जिहड़े 3 आर्डिनेंस केंद्र सरकार ने पास करे ने, असी अकाली ने जिहड़े वह बीजेपी दे भाईवाल सरकार च ने, यह उत्थे दिल्ली जाके वह आर्डिनेंसां दे उत्ते दस्तखत करके आए ने, पंजाब च आके वह आर्डिनेंसां दा कहिंदे ने भी असीं MSP भी रखांगे, MSP खत्म नहीं होण देवांगे। वैसे सुखबीर बादल ने तो यह कहा भी असीं किसी भी तरह की कुरबानी देण नूं तैयार हाँ। कुरबानी तो इत्थों तक एक अपनी कुर्सी की कुरबानी कहिंदे ने, जिहड़े हुण तक अकाली पंजाब दे विच मोर्चे लाउंदे रहे ने, हजारां लोक वह मोर्चा च मरवाते अकालियां ने, पर कहिंदे ते भी असीं वध अधिकारां दी मंग करदे आ। अज सूबे कोले जिहड़े अधिकार ने सेंटर सरकार वह भी अधिकार खो रही है, पर अकाली चुप ने, कोई मोर्चा नहीं लाउंदे, कोई कुरबानी तो इन्हां दी दूर दी गल है। पिछले समय अपना राज्यवाल यूनियन ने लाया धरना, तो अज तुसीं रोस प्रदर्शन कर रहे हो, तुसीं सारियां यूनियन जदों इक्को मकसद इकट्ठे क्यों नहीं होंदे? ठीक है, जिहड़ा राज्यवाल जथेबंदी है, असीं तां कहिंदे भी कल दा भुल्लिया है जिहड़ा अज ठीक राह ते आ जाए वह चंगी गल है। हुण तक राज्यवाल खुली मंडी की मंग करता रहा है, इस करके फुट पई थी, अज खुली मंडी सरकार ने देती, राज्यवाल नूं कोई अधिकार नहीं प्रोटेस्ट करन दा, कोई अधिकार नहीं, वो लोगों के अखां च घट्टा पाउंदा सरकारी बोली बोलने वाला बंदा है। अज दा जिहड़ा प्रोटेस्ट आ किवें दा है, कित्थों कित्थे जाणा तुसीं? अज दा प्रोटेस्ट साडा मंडी तो लैके प्रकाश चंद गर्ग दे घर दा घराओ करांगे, उत्थे बुलावांगे गर्ग नूं वी की कहिंदा है। जे उह सेंटर दे विच्चों आर्डिनेंसां ते दस्तखत करके आए ने, अज पंजाब च साडे नाल लगदे ने, फिर वधिया गल है,
आने वाले समय के नहीं यदा खमियाजा भारतीय जनता पार्टी तो अकालियों भुगतना पेगा वोटों से लोग मूँह तोड़वा जवाब देंगे पिंड लोग बढ़ नहीं देंगे अकालिया तो बीजेपी पंजाब सरकार कैप्टन सरकार की नीयत छोटे मसले तो किमें आ कैप्टन सरकार की नीयत भी माड़ी है जो पंजाब के रेजुलेशन पा के मता पा के दे भेजे ऊ मगरमच्छ वांगू हंजू बहाँदा है कैप्टन भी तो बादल तो कैप्टन इको ने कोई फर्क नहीं है इन्होंने जे रेजुलेशन पा के भेजे भी आर्डीनेंस किसान विरोधी ने असी यदा विरोध करते हैं असी किसानों के नाल हाँ फिर तो असी मनीए पर अज तक उस कैप्टन ने कोई मता नहीं पाया कोई रेजुलेशन नहीं पाया करोना कारण सख्ताई बहुत आ सरकार कह रही है इकट्ठे नहीं होना तुम इकट्ठे हो रहे हो सू डर नहीं लगता सरकार की सख्ताई तो सानू सरकार की सख्ताई तो डर लगता है सानू करोना तो उन्ना सरकार तो उन्ना डर नहीं लगता जिन्ना डर सानू सरकार ने करोना तो बिठाता सानू करोना का हवा दे के घर च बंद करता मूँह ते पट्टियां बनातियां पर करोना तो कल्ले करे नू मारूगा आ जड़े आर्डीनेंस ने ये सारे किसानों नू मारनगे सारे किसानों नू तबाह करनगे इस करके करोना ना मरना आ आर्डीनेंसा का विरोध करांगे असी भावें सानू जिहड़ी कुरबानी करनी पेगी करांगे जिला बरनाला का एक पिंड आ भोतना उत्थे दा एक परिवार आ उहदियां पंज पीढ़ियां प्रधान जी पंज पीढ़ियां बिल्कुल मतलब करजे की भेट चढ़ गई उत्थे बंदा नहीं वह परिवार च रहा एक धी आ एक उहदी माँ उहदे बारे किसान यूनियन ने बहुत मतलब प्रदर्शन किए पर हजे भी करजे का भार उहदे वास्ते यूनियन की कर रही ने जिहड़ा करजे का मसला है करजे का मसला साडियां जथेबंदियां दे मुख एजेंडे ते है मुख एजेंडे ते जिन्ना चिर पंजाब दे किसानां दा करजा खत्म नहीं हुंदा एक बारी राइट ऑफ नहीं हुंदा उन्ना चिर करजे वाला मसला हल नहीं हुंदा करजा कल्ला भोतने का मसला नहीं किन्ने किसान खुदकशियां करके मेरा प्यो करजा मैनू दे गया मैं करजा गाह आपके बच्चों दे गए दे जूँगा मेरे बच्चे गाह ये करजा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है इस करके एक ही हल है जे एक बारी सरकार ये उत्ते लीक मारे उदू बाद सस्ते भा दे उत्ते घट ब्याज के उत्ते किसानों करजा दे एक इल्जाम लगते हैं प्रधान से जो प्रधान बनते हैं वो बड़िया कुर्सियां दे देंदियां ने सरकार उन्होंने हेठा खुदकुशियां उवें चली जांदियां ने प्रधान कुर्सियां ते बह जांदे ने इन्हां बारे की कहोगे तुसीं जिहड़े प्रधान कुर्सियां ते बहिंदे ने जिहदी मिसाल है असी प्रधान अजमेर सिंह लखोवाल के थले बहुत चिर कम करिया अजमेर सिंह लखोवाल नूं मंडीकरण बोर्ड का चेयरमैन बनाता कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी के बराबर की कुर्सी देती पर उन्हूं लोगों तो की वो भरावो जिहड़े सरकार की बोली बोलते हैं इस तरह ही राज्यवाल लाला सड़दा कोई छोटी मोटी चेयरमैन ही हथियाण नूं फिरदा उहदा किसानी नाल कोई वाह वास्ता नहीं जिहड़े किसान कुर्सियां वास्ते लड़दे ने किसानां दे कोलों ओह नकारे जाणगे धरकारे जाणगे किसान उहनां नूं वी मूँह नहीं लाउणगे जे सरकार पिछे नहीं हटदी किवें प्रोटेस्ट किवें रहू आउण वाले समें तुहाडा आउण वाले समें दे विच साडा घोल तिखा होऊगा प्रोटेस्ट तिखा होऊगा हिंदुस्तान पद्धर दीआं 150 तों उत्ते जथेबंदियां असीं इकट्ठियां करियां ने तो हिंदुस्तान पद्धर का प्रोग्राम लिखांगे पंजाब दे विच सेंटर सरकार की एक भी रेल गड्डी आने वाले समय के बढ़ नहीं देवांगे भावें सानू कोई कुरबानी करनी पवे भारतीय किसान यूनियन अकाली भाजपा का विरोध कर रही ने क्योंकि खेती आर्डीनेंस बिल का विरोध हो रहा है अकाली दल नूं घेरिया जा रहा भाजपा नूं घेरिया जा रहा अज्ज साडे नाल ने भवानीगढ़ तो बाबू प्रकाश चंद गर्ग जो श्रोमणी अकाली दल के सीनियर मीत प्रधान अते साबका संसदीय सकत्तर ने उन्होंने करदे गलबात के तुहाडे नाल अज मिले ने किसान यूनियन आगू की तुसी भरोसा दिता बाबू जी स्वागत है तुहाडा पंजाबी लोक चैनल ते देखो देश दे विच तीन किसान आगू होए ने जा स्वर्गवासी चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवी लाल जी और सरदार प्रकाश सिंह बादल जिन्हां ने सारी जिंदगी किसानां दे हितां दी लड़ाई लड़ी है चाहे वह देश पद्धर ते किसे किसानी नाल धक्का होया या उन्हां दी कोई भी जेन्युइन डिमांड है उहदे लई हमेशा उन्होंने मोहरी रोल अदा कीता है पंजाब दे विच भी जदों भी सरदार प्रकाश सिंह बादल दी सरकार बनी है तां किसानां दे हितां च फैसले लए ने सब तो पहला जिहड़ा किसान दा ट्रैक्टर सी जिहनूं जगह जगह ते कोई भी ट्रैफिक वाला कोई भी पुलिस मुलाजम घेरदा सीगा जे उस नूं गड्ढे दा कोई रूप दित्ता तां सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दित्ता कि किसानी का गड्ढा है उस तो बाद जिहड़ा कोई मंडियां सी बड़ियां दूर दुराडे सी कि किसान नूं 6 महीने अपनी फसल कमाउण तो बाद बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पैंदा सी दूर दुराडे मंडियां 'च जाना पैंदा साधन बड़े घट सीगे तां जे पंजाब दे विच प्रोक्योरमेंट लई मंडियां परचेज सेंटर अते जिहड़े अपने फोकल पॉइंट ने जे उन्हां दी स्थापना कीती तां सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कीती नहीं वैसे बाबू जी ये तो चलो हैगे ने ठीक है तुसीं खेती वास्ते स्टैंड लैने वड्डे वड्डे पर अज खेती आर्डीनेंस एक वड्डा मुद्दा उहते तुहाडा स्टैंड की हो श्रोमणी अकाली दल दा
देखो मैं उस गलते आना चाहना कि जे पंजाब के अंदर बिजली के बिल माफ़ किए तो भी सरदार प्रकाश सिंह बादल ने किए, जे पंजाब दे विच पक्के खाल किए वह भी सरदार प्रकाश सिंह बादल ने किए, जे उन्हां दा जिहड़े कॉस्ट थी 300 करोड़ माफ़ किया तो भी सरदार बादल ने किया। अज जिहड़ा पंजाब दे विच किसान यूनियन वालों जो भी प्रोटेस्ट किए जा रहे ने, असीं इन्हां प्रोटेस्टां दा विरोध नहीं करते, असीं विरोध उन्हां राजनीतिक पार्टियां दा करदे हां जिहड़ियां मगरमच्छ दे हंझू बहा रहीआं ने। कांग्रेस ने कदे किसानां दा हित नहीं सोचिआ, और तुसी देख लो MSP च वाधा 10-10 रुपए क्विंटल हुंदा, और दूजा ये कि जदों कांग्रेस की सरकार सी उन्होंने 30 रुपए बोनस देने का एक बार फैसला किया सीगा ते वो बोनस देने तो भी मुकर गए सीगे। जे किसानी नूं सब तो वड्डी कोई घात लाई है मार की है तो कांग्रेस ने की है। अज जिहड़ियां पार्टियां अपने राजनीतिक मफाद वास्ते इन्हां आर्डीनेंसां दी आड़ दे विच पंजाब दे विच किसानी नूं बरगला रही ने, असीं उहदा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल इस गल लई वचनबद्ध है कि जिहड़े आर्डीनेंस ने ये पहले 2004 दे विच सरदार मनमोहन सिंह ने भी प्रपोजल बनाई सी, और 2017 की जिहड़ी असैंबली इलैक्शन सी उहदे चोण मैनीफेस्टो दे विच कांग्रेस ने ये क्लास दित्ती सीगी कि किसानां ते बंदिश नहीं चाहीदी, खुली मंडी चाहीदी है, किसान अपनी जिनस का भाव वध तो वध लै सके, किसी भी जगह पर जाके बेच सके, कोई उहदे उत्ते रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहीदी। ये उन्होंने भी ये गल मंगी सी। जे अज आर्डीनेंस जारी किए ने असीं सारयां नूं सद्दा दित्ता है, जिन्हें भी किसान हितैषी जथेबंदियां ने, जिन्हें किसान दे अपना होने विज्ञानी ने जिन्होंने किसानी संघर्ष किया, उन्होंने साडा खुला सद्दा हैगा कि आओ आप उन्हां आर्डीनेंसां नूं पढ़ लीए, चैक कर लो कि क्लाज जी है किसानों के खिलाफ जाती है, और श्रोमणी अकाली दल हमेशा किसानों के हितों खड़ा है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर ने आके इत्थे इस गल का भरोसा भी दिता है कि कोई असी MSP नहीं खत्म कर रहे, कोई मंडीकरण सिस्टम नहीं खत्म कर रही, और श्रोमणी अकाली दल पार्लीमेंट के इन्हां आर्डीनेंसां ते बहस के समय ये गल नूं यकीनी बनाएगा कि ना असी MSP नूं कोई ठेस लगन देनी है, ना मंडीकरण सिस्टम नूं तोड़न देना है। वैसे श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने किसानों नूं भरोसा भी दवाया भी किसी भी तरह की कुरबानी देने नूं तैयार हैं, वो कि कुरबानी की गल करते हैं? देखो कुरबानी साडी ये है, पहली गल तो संघर्ष की है कि जिन्हें साडे किसान हितैषी जथेबंदियां ने असी उन्होंने अगे होकर संघर्ष करा, वो चाहे गिरफ्तारियों की गल है, चाहे सड़क रोकने की गल है, संघर्ष का मतलब यह होंगे कि असी मोहरी रोल अदा करा किसानों के हितों लिए, सानू किसी भी हद तक जाना पै जाए। जितों तक राजनीतिक गठजोड़ की गल है, प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने वो भी गल क्लीयर करती कि साढ़े राजसी हित बाद च ने, भावें साडा किसी पार्टी ना गठजोड़ रहे ना रहे, साडा अलायंस रहे ना रहे, साडा कोई ये नहीं कि राजनीतिक मफाद लिए असी किसी ना गठजोड़ रखे है, असी जे गठजोड़ किया तो पंजाब के हितों लिए किया है। इस करके असी ये किसान सारे पंजाब के किसानों इसका यकीन भी दवाने कि अकाली दल ना किसान के हितों के खिलाफ कोई फैसला होने देगा। पार्लीमेंट के असी उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो या होम मिनिस्टर तो जिते पार्लीमेंट के उन्हों तो बयान दवावे उत्थे लिखती रूप के भी श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा हैगा लैके उन्होंने केंद्र सरकार तो यकीनी बनाऊगा कि पंजाब के हरियाणे के किसी किसान के हितों कोई नुकसान ना पहुँचे। जे आर्डीनेंस पास होंदा तुसी किसानां नाल खड़ोगे जां BJP नाल? आर्डीनेंस का जिहड़ा हुआ खड़ा किया है, मैं तुहानू दस्सिया कि राजनीतिक मफा, तुसी हैरान होवोगे कि पंजाब दे विच कांग्रेस का प्रधान बयान दे रहा आर्डीनेंसा के खिलाफ की गल, हरियाणा के किसानों के हित इन्हों प्यारे नहीं? हरियाणा के जिहड़े कांग्रेस के आगू ने जां उहनां दा प्रधान है जिहड़े अज ओपोजिशन च ने, कोई किसानों की गल नहीं कर रहे? जे आर्डीनेंस के नाल MSP खत्म हो रही है या आर्डीनेंस लागू होने के नाल मंडीकरण सिस्टम खत्म हो रहा है, फिर हरियाणे के किसानों के वास्ते क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? क्यों नहीं उन्हों का प्रधान या उन्हों की पार्टी उत्ते लड़ाई लड़ रही? क्यों नहीं उत्ते दूजिया विरोधी पार्टियां लड़ रही? क्यों नहीं उतों दिया किसान यूनियन इस गल की लड़ाई लड़ रही कि साडा MSP खत्म हो जूगा, साडा मंडीकरण सिस्टम खत्म हो रहा है? कि यह आर्डीनेंस कले पंजाब लई तां है नहीं। इस करके सारा राजनीतिक जिहड़ा मफाद लैण वास्ते वो पार्टियां जिहड़ियां ने गुमराह कर रही ने। साडा तां स्पष्ट फैसला है कि असी किसान आगूआं दे नाल साडा इस गल दा असी भरोसा दिता हैगा आगूआं नूं कि किसी कीमत ते भी असी ना पंजाब दे किसान दा नुकसान होण देना, हरियाणे दा होण देना, असी तां सारे देश दे किसानां दी नुमाइंदगी कर रहे हां, सारे देश दे किसानां दे हक च साडी पार्टी ने हमेशा पहरा दिता है,
और उन्होंने हितों लिए असं हमेशा लड़ते रहेंगे। वैसे एस वाई एल के किसानी मुद्दों से ये तो भी पहला अकाली दल निशाने आ रहा है भी अकाली दल ने जो भी करया उदो प्रकाश सिंह बादल ने करया कहते एस वी एल मुद्दे वाग ये आर डी ने इस मुद्दा भी कितने राजनीति भेंट तो नहीं चढ़ूगा कोई राज तुसी मैनू दसो इस तो वड्डा फैसला की होगा कि एस वाई एल लई जिहड़ी किसानां दी जमीन अक्वायर कीती सी असी विधानसभा दे विच बिल लिया के वह सारा जिहड़ा जमीन अक्वायर कीती सीगी वह सारी डी नोटिफाई करके उन्हां नूं दुबारे पोजैशन भी देता। देखो किसानां दे हितां लई तां असी किसे उस ते भी जाण नूं तैयार हाँ। इस करके पहलां भी पानी दे मामले च अकाली दल दा स्पष्ट स्टैंड है कि एक बूंद पानी दी असी पंजाब चो बाहर नहीं जान देनी किसे कीमत असी एस वाई एल नहीं बन देना। अज किसान आगू नू की भरोसा तुसी जताया उरे किसान आगू तुहानू मिले ने की उहनां नाल गलबात होई है? किसान आगूआं दे संघर्ष नू असी सत्कार कीता है स्वागत कीता है कि अपने हितां लई संघर्ष करना हरेक दा अधिकार भी है ते साडी सारयां दी जिम्मेवारी है कि असी पंजाब दे हितां लई लड़ीए। जे पंजाब च किसानी खत्म हुंदी है ना कोई राजनीतिक पार्टी बचे ना कोई व्यापारक संस्था बचे इसलिए सारा जिहड़ा साडी इकोनमी है जिहड़ी साडी आर्थिकता है वह खेतीबाड़ी ते निर्भर है। इस करके असी उहनां नूं इह भरोसा दित्ता है कि तुहाडे हितां वास्ते असी किसे भी उस तक जा सकते हैं और किसी कीमत पर असी तुहाडा कोई नुकसान नहीं होंदे। ये सन बाबू प्रकाश चंद गर्ग जिन्होंने कहा कि असी किसानी नाल हाँ असी किसानां दे नाल रहांगे खेती आर्डीनेंस बिल किसी भी तरीके नाल पास नहीं होण देवांगे। भवानीगढ़ तो अमनदीप सिंह माझा पंजाबी लोक चैनल।